पापे की कहानियाँ मस्ती में उड़ो। आज पापा अपने ब्लॉक्स वाले खिलौनों से खेल रही है। उफ, सावधान रहो जॉर्ज, ये काफी छोटा सा शहर है और तुम एक विशाल डायनासोर हो। इससे मुझे एक आइडिया आया है, क्या तुम विशाल जीव बनना चाहोगे जॉर्ज? जॉर्ज पेपा के साथ विशाल काय जीवो जैसा रोल करने के लिए बहुत उत्साहित है। हेलो पुलिस ऑफिसर पांडा। टॉयलैंड में दिन कितना सुकून भरा, शांत सा, प्यारा सा लग रहा है, नहीं? और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि। हेलो, मैं विशाल काय जीव पेपा हूँ। विशाल काय जीव। विशाल जीव। पेपा और जॉर्ज कल्पना कर रहे हैं कि वे ब्लॉक वाली नकली दुनिया के विशाल काय जीव है। हेलो पंछियों, हेलो बादलों। हमारी गेंद उस ऊंचे से पेड़ पे फंस गई है। हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम विशाल काय जीव है। सावधान जॉर्ज। ये लो गेंद सूजी। विशाल काय पेपा और विशाल काय जॉर्ज को टॉयलैंड में अपने दोस्तों की मदद करना अच्छा लगता है। वे बस में चढ़ने में यात्रियों की मदद करते हैं। और नावों को काफी तेजी से आगे ले जाने में मदद करते हैं। रुको! ये वो पुल है जो तुमने पहले तोड़ा था। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ब्लॉक वाले खिलौने ठीक करने में माहिर हैं। वे खिलौने वाले पुल को कुछ ही देर में ठीक कर देते हैं। धन्यवाद विशालकाय पेपा और विशालकाय जॉर्ज। रुको, मेरा मतलब है जाओ। मुझे भी भूख लगी है। विशालकाय पेपा और विशालकाय जॉर्ज के लिए टॉयलैंड का खाना काफी छोटा पड़ता है। डिनर का समय हो गया, तो इन्हें इसके बदले असली खाना ही खाना होगा। सावधान जॉर्ज। आज पेपा और जॉर्ज फन फेयर में आए हैं। हाय पेपा, क्या तुम अब तक फन हाउस में जा चुकी हो? फन हाउस क्या होता है? ये खास तरह का फन फेयर हाउस होता है जिसमें खूब सारे मस्त और मजाकिया कमरे होते हैं। क्या मैं और जॉर्ज फन हाउस में जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। हेलो मिस रैबिट, फन हाउस के लिए दो टिकट प्लीज। फन हाउस में जाने के लिए मम्मी पिग को मिस रैबिट से टोकन खरीदने होंगे, लेकिन टोकन की कीमत मम्मी पिग की सोच से कहीं ज्यादा थी। शुक्रिया मम्मी पिग। इधर से जाइए। अरे वाह, ये डावाडोल पुल है। फन हाउस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए इस पर से जाओ। पेपा पुल को काफी धीरे से और सावधानी से पार कर रही है, लेकिन जॉर्ज को तेजी से करने में मजा आ रहा है। तुम्हारा तरीका काफी बेहतर है जॉर्ज। बहुत अच्छे, अब तुम्हें फॉलो करना होगा इन तीरों को। इस तरफ जॉर्ज। ये शीशे काफी हिलते डुलते हैं। फन हाउस के शीशों में पेपा और जॉर्ज वाकई अजीब दिख रहे हैं। इस शीशे में मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, और इसमें तुम्हारा सिर काफी बड़ा दिख रहा है जॉर्ज। और इसमें तुम दिख रहे हो एकदम गोल। गोल।
शीशे में मैं लग रही हूँ बिल्कुल मिस रैबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हूँ मिस रैबिट। मेरे पीछे पीछे घुमावदार सुरंग तक आओ। फन हाउस की सुरंग गोल गोल घूमती है और इसमें तेज हवा भी चल रही है। देखो, सुरंग खत्म होने के बाद हमें स्लाइड से नीचे जाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जॉर्ज। पता नहीं इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गए। तुमको कैसा लगा? फन हाउस तो काफी मजेदार था। बहुत बढ़िया, सभी को फन हाउस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फन हाउस वाकई मजेदार है। आज पेपा और उसकी फैमिली सुपरमार्केट में है। सुपरमार्केट के बाहर खिलौनों वाली मशीन लगी हुई है। मैंडी माउस को एक खिलौना मिला है। देखो मम्मी, एक यो-यो। शाबाश मैंडी। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम्हें खिलौने वाली मशीन पर जाना है? हाँ प्लीज। ये कैसे चलती है मिस रैबिट? बस एक टोकन खरीदो और इसे स्टॉल में डाल दो, फिर एक गेंद मशीन के निचले हिस्से तक लुढ़कती जाती है और अंदर एक गजब का खास खिलौना होता है। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर वाला खिलौना चाहिए। अरे वाह, तुम सब एक एक बार कोशिश कर सकते हो। ये लो, कोशिश करो। जॉर्ज के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और म्यूजिक बजने लगता है। गेंद पूरी तरह नीचे तक लुढ़कती हुई जाती है। जॉर्ज को खिलौने वाला स्क्रू ड्राइवर मिला है। एक स्क्रू ड्राइवर काम की चीज है। डायनासोर। चिंता मत करो जॉर्ज, मैं डायनासोर भी लाने की कोशिश करूंगी। अब पेपा के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और दूसरी गेंद लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ जाती है। पेपा को डायनासोर नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ बहुत अच्छे स्टिकर्स मिले हैं। डायनासोर। तुम्हें कितने प्यारे खिलौने मिले हैं, लेकिन देखो हमारी आइसक्रीम पिघलने लगी है। बस मिल नहीं वाला था। मुझे लगता है कि डायनासोर अगली बार तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज, क्या हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं मम्मी? प्लीज। अच्छा ठीक है, एक और कोशिश करो। पेपा और जॉर्ज मिलकर खिलौने वाली मशीन का लीवर खींचते हैं, लेकिन इस बार एक भी गेंद नहीं निकली। अरे रे, मैं देखना चाहती थी तुम्हें कौन सा खिलौना मिलेगा। चिंता ना करें मम्मी पिग, मैं इसे ठीक कर दूंगी। मुझे बस अपना स्क्रू ड्राइवर चाहिए। नहीं नहीं। स्क्रू ड्राइवर। ओह शुक्रिया जॉर्ज। मिस रैबिट ने मशीन को कुछ ज्यादा ही ठीक कर दिया है। अब सारी गेंदें बाहर गिर पड़ी है। अच्छा होगा मैं इन्हें वापस रख दूं। लेकिन तुम्हें ये मिलता है मशीन ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए। डायनासोर। शुक्रिया मिस रैबिट, ये आपके लिए। सभी को खिलौने वाली मशीन अच्छी लगती है और जॉर्ज को डायनासोर वाकई अच्छे लगते हैं। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई मजेदार है। ओ, बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है, तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमिन एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा।
लेकिन एडमिंट को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमिन, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है। अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पक्के झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमिंड। लेकिन एडमिंड एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमिंड हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। हो, ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमिन एलिफेंट पहेलियां सुलझाने में माहिर है। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। एडमिन और एडमिंड एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। ओह शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। नाना। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी, वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट, मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं। और अब आप टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है, तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। चलो इन सबको मिला देते हैं। पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है।
हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा। मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन, क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। वाह! ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पेपा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है, ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अगली चीज जूस टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ। ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। आप बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है।
बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला? इसमें बहुत सारे रंग है। शाबाश पेपा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है। सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा साइका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम, ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह। रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पेपा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओ, बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस। हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं कर रहा। तुम्हें भूख लगी थी पेपा? क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह। ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म। शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बोलर के लिए। आज सूजी शीप एक बोलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है, मैं कई बार बोलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओगे इसे कैसे करते हैं पेपा? ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज।
बढ़िया, ये है आपकी बोलिंग लेन। अब बोलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं भी कोशिश करने वाली हूँ, मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ, ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बोलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बॉलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं। पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है, गुड लक। इसे देखो। सूजी शीप पीछे से बॉलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बॉलिंग बहुत पसंद है, सभी को बॉलिंग बहुत पसंद है। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? हाँ, ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो, मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिक के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछें लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिक पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिक को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बर्ड। कितना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना, एक दो तीन चीज।
पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज, लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। हेलो आप सभी को। आज पेपा और उसकी फैमिली मैडम गजेल के बैंड द रॉकिंग गजेल्स के एक संगीत कार्यक्रम में आई हुई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। अरे बाप रे, जनरल जिराफ भी अपने डैडी के कंधों पर बैठा है और बाकी लोग इस वजह से देख नहीं पा रहे हैं। हाय पापा, हाय जॉर्ज। जेरल्ड और उसके पिता किनारे चले गए हैं, इसीलिए अब सभी देख पा रहे हैं। चलो 1 and 2 and 1 2 3 4। सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है। पापा और डैडी पिग वाकई संगीत के मजे ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना पापा? हाँ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है जॉर्ज? पापा और डैडी पिग गलती से भीड़ भाड़ के बीचों बीच पहुँच गए हैं। हम जल्द ही आकर आपको ढूंढ लेंगे मम्मी पिग। मैंने कहा हम आपको ढूंढ लेंगे। अरे इतनी भीड़ में कहाँ घूम लेंगे? मजे करो जॉर्ज। सभी डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाचते हुए लोगों से भरे स्विमिंग पूल में खड़े हो। यहाँ कुछ हवादार बीच बॉल्स भी है। पकड़ लिया। बहुत बढ़िया पापा। शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिए मिस्टर बुल, माफ कीजिए मैडम गजेल। कोई बात नहीं, ऐसा सब तो होते रहता है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है पॉप म्यूजिक। दरअसल इससे तो मुझे अपने अगले गाने की याद आ गई। 1 2 3 4। पॉप 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 पे बुलबुले, पॉप पे बुलबुले करेंगे, पॉप 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 पे बुलबुले सारे दिन पॉप करेंगे, पॉप 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 पे बुलबुले, पॉप पे बुलबुले पॉप करेंगे। आपने भी ढूंढ लिया। मम्मी और जॉर्ज पिग भी नाचते नाचते भीड़ भड़कते के आगे आ गए हैं। मैडम गजेल ने पेपा और उसकी फैमिली को उनके साथ स्टेज पर गाने के लिए बुला लिया है। सभी को मैडम गजेल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस्टर रैबिट। आप लोग स्विमिंग जाओ इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बॉल। ओह सॉरी पापा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बॉल। दूसरा नियम है कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पापा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड्स पे चलते हैं। हुरे! हुरे!
सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में है। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जेरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बॉय। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है, ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छीना किसी नहीं। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना पेपा? डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। ओ, हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते। वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में जूते चाहिए जॉर्ज? जूते, जूते। ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले। जूते। ये जोकर वाले जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है, लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। ये चप्पल है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते। ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते। जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। सोने का समय हो गया है, लेकिन जॉर्ज को नींद नहीं आ रही, इसलिए पेपा और डैडी पिग को भी नींद नहीं आ रही। अब क्या होगा? हम सारी बेडटाइम स्टोरी पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने एक किताब अभी भी नहीं पढ़ी है, मैंने इसे इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखा था।
थके हुए पेट को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। बहुत ही लंबी और बहुत ही उबाऊ स्टोरी। क्या वो थके हुए पिग्स को सुलाने में मदद करेगी? हाँ, थके हुए पिग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। एक बार की बात है, जब थी एक हीरो, नाम था सुपर पेपा। वो सारा दिन अपने पड़ोसियों की मदद करती रहती थी। एक दिन उसने एक विशाल कूद फांद करने वाले जीव के बारे में सुना, जिसने पूरे शहर को हिला कर रखा था। विशाल जीव कूदना बंद ही नहीं कर रहा है। मैं आपकी मदद करूंगी। सुपर पेपा को कूद फांद करने वाला जीव मिल गया। हाँ जॉर्ज, कूदने वाला डायनासोर। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को कूद फांद करने से रोकने की सारी कोशिश कर ली। मतलब उसे काफी शांति से पूछा। हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर डायनासोर सर, एक्सक्यूज मी। उन्होंने बेड टाइम म्यूजिक चलाकर भी देख लिया। इससे उसे नींद आ जाएगी। सुकून मिल रहा है। लेकिन म्यूजिक सुनकर डायनासोर में और भी जोश आ गया। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को गर्म पानी से नहलाने की कोशिश की और उसे आरामदायक पजामा पहना कर भी कोशिश कर ली। यहाँ तक कि उसने तारे भी गिनने की कोशिश की। एक, दो, तीन, चार, पाँच। हमने यही सारी चीजें की। अब तो कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए आखिरकार जॉर्ज को नींद आ ही गई। अरे वाह, मदद के लिए शुक्रिया पेपा। स्वीट ड्रीम्स। शुक्रिया डैडी, लेकिन मैं अभी थकी नहीं हूँ। क्या आप स्टोरी पूरी कर सकते हैं? जॉर्ज, आज जॉर्ज एडमंड एलिफेंट और रिचर्ड रैबिट के साथ रात बिता रहा है। चलो बच्चों, सोने का समय हो गया। चिंता मत करो मम्मी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ये सब सो जाए। शुक्रिया पेपा। चलो सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में कदम ताल के साथ। पेपा को चार्ज लेना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया पेपा, गुड नाइट बच्चों। मजाक कर रही हूँ। आप लोग अभी सोने नहीं जा सकते, उससे पहले आपको काफी मजेदार चीजें करनी होंगी। जॉर्ज ने पहले कभी दोस्तों के साथ रात नहीं बिताई। वो काफी जोश में है। सबसे पहले हमें मिडनाइट वाली दावत करनी होगी। तुम भूत बन गए हो। मुझे भूतों की एक डरावनी कहानी पता है। जॉर्ज, रिचर्ड और एडमंड को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये डरावनी कहानी एक कीचड़ भरे गड्ढे की है, जिसमें कीचड़ नहीं था। डरावनी भूतिया चीजें या भूत, जैसा कि हमें बताया जाता है, वो होते ही नहीं है। इनका होना वैज्ञानिक तौर पर असंभव है। एडमंड चतुर और तेज तर्रार है, वो भूतों में विश्वास नहीं करता। क्या मैं कोई कहानी सुना सकता हूँ? ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पिग था और एक बहुत छोटा खरगोश था, और वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते थे। कहानी खत्म। ये बहुत अच्छी कहानी थी। ओह, मुझे एक और आती है। बहुत पहले की बात है। जॉर्ज, एडमंड और रिचर्ड फिर से भूत बन गए।
परेशान जॉर्ज। ओह, तुम्हें पता है आगे क्या होता है? ये। हमें काफी देर तक जागना होगा, लगभग 100 बजे तक। रेडी? मुझे नहीं लगता कि जॉर्ज को दोस्तों के साथ रात बिताना आता है। सब कुछ कैसा चल रहा है पेपा? वो गहरी नींद में सो रहे हैं मम्मी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तुम्हें मिडनाइट दावत मिलनी चाहिए। अरे वाह! जॉर्ज और उसके दोस्तों को स्लीप ओवर में गेम्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका परिवार एक एयर शो में खूब सारी चीजें करने वाला है। मिस रैबिट हॉट एयर बलून उड़ा रही है। आसमान हॉट एयर बलून से भरा हुआ है। ये कितने सारे बलून हैं! एक बादल, एक ब्रोकली, एक जोकर, एक डायनासोर। बहुत बढ़िया जॉर्ज। वो क्या है? वो एक बाइप्लेन है पेपा। ये कर क्या रहा है? कुछ प्लेन आसमान में मैसेज लिख सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं। बाइप्लेन ने आसमान में पेपा की तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ। सभी को मेरा हेलो। हेलो। आकाश में तस्वीर बनाने के लिए शुक्रिया। स्वागत है आप लोगों का। लो मैं चली। ये क्या है? क्या ये दूसरा हॉट एयर बलून है? ये वायुयान है। ये गुब्बारे की तरह तैरता है। इसके छोटे छोटे प्रोपेलर प्लेन की तरह उड़ने में इसकी मदद करते हैं। पेपा और जॉर्ज को वायुयान बहुत रोमांचक लगता है। क्या आप सभी सवारी करना चाहेंगे? वायुयान। वायुयान आसमान में उड़ने वाला है। हम बहुत ऊपर हैं। ये कैप्टन की तरफ से घोषणा है। आकाश में आप देखेंगे चिड़िया। हेलो चिड़िया। बादल। हेलो बादल। और डॉक्टर हैमस्टर। हेलो फिर से। इतने सारे बटन। हाँ, इस तरह के वायुयान को चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज कोई भी बटन नहीं दबाइएगा। ये स्टीयरिंग व्हील वायुयान को अलग अलग दिशाओं में ले जाने में मदद करता है। ऊपर नीचे और अगल बगल। और हम रेडियो से पूरे एयर शो में घोषणाएं कर पाते हैं। क्या मैं घोषणा कर सकती हूँ? मुझे एक बहुत ही जरूरी बात की घोषणा करनी है। बेशक। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। मैं वायुयान हूँ जो थोड़ा थोड़ा गुब्बारे जैसा है, लेकिन एक हवाई जहाज भी है। मुझे आशा है कि आप सभी का समय एयरशो में अच्छा बीता होगा। अरे रे, हम तो एक बहुत ही जरूरी बात भूल ही गए। ये पायलट है पेपा और जॉर्ज के लिए। मैं हूँ पायलट पेपा। पायलट पेपा को एयरशो बहुत अच्छा लगता है। सभी को एयरशो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे खेलते हैं शफल बोर्ड। मेरा पग बॉटम पर था, इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोर्ड खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं, या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। ये तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बढ़िया आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती।
शाबाश जॉर्ज, मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पक को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पापा। ठीक है, ये लो ग्रानी। ग्रानी के पक ने पेपा के पक को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले। अरे वाह! पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है, लेकिन खेलने के लिए कोई पक नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पक से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। ये! मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओह हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? ओह पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है। ओह मुझे पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजेल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। डायनासोर। ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है, गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है, क्या
और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है, कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है, डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा, अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाओ, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है, सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज पेपा का प्ले ग्रुप झील की यात्रा पर है, वे नाव चलाने जा रहे हैं। माफ करना। हेलो मिस रैबिट। हेलो, क्या तुम लोग आज नाव चलाने के लिए तैयार हो? चप्पू वाली नावें वहाँ पर है, चलो चले। अरे वाह! अरे वाह! सभी ने नावों पर सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और हेलमेट पहना हुआ है। लग रहा है आप सब जाने के लिए तैयार है। पेपा, सूजी और पेड्रो, तुम लोग चप्पू वाली लाल नाव में होगे मेरे और ग्रैम्पी रैबिट के साथ। और मैंडी, एमिली और डैनी चप्पू वाली नीली नाव में होंगे मेरे और कैप्टन डॉग के साथ। नाव को चलाने के लिए तुम लोगों को खास छड़ी को पानी में डालना होगा जिसे चप्पू कहते हैं, और उसे खींचना होगा इस तरह। बड़े चलो, अब तुम कोशिश करो। सभी खुद नाव चलाने के लिए काफी जोश में हैं, लेकिन कोई साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है। मिस कैप्टन रैबिट, नाव क्यों नहीं चल रही? हम सभी को एक साथ नाव चलानी होगी इस तरह। जब मैं कहूँ आगे बढ़ो तो आगे जोर दो, और जब मैं कहूँ हो तो पीछे खींचो। चलो हम सब मिलकर कोशिश करें। आगे बढ़ो, बहुत अच्छे। अरे वाह! आगे नाव पानी के साथ साथ चल रही है,
सभी एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। बढ़ो, आगे, बढ़ो। सभी को अपनी अपनी नाव चलाने में खूब मजा आ रहा है, लेकिन अब घर जाने का समय हो गया है। अब नाव को वापस किनारे लाने का समय आ गया है। बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आए हैं। क्या हम रेस लगा सकते हैं? ये तो गजब का आइडिया है मैंडी। क्या सब तैयार है? तैयार है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। सभी अपनी नाव तेजी से किनारे की ओर चला रहे हैं। पेपा अपने दोस्तों को एक टीम की तरह चप्पू चलाने में मदद कर रही है। आगे बढ़ो, चलते रहो, विश्वास करो। लगभग पहुंच गए। चलो, ये टक्कर का मुकाबला था। बहुत बढ़िया बच्चों। सभी को नाव चलाना अच्छा लगता है और सभी को टीम की तरह काम करना बहुत अच्छा लगता है। पेपा और उसकी फैमिली ने सुपरमार्केट से बहुत सारा खाना खरीदा है और अब उनके पेट में काफी गुड़गुड़ाहट हो रही है। डिनर में क्या है? मेरे पेट से काफी आवाजें आ रही हैं। आज रात हम बनाने वाले हैं टैको। ये क्या होता है टैको और इसे कैसे बनाते हैं? ये जायकेदार खाना है मेक्सिको का, और टैकोस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब साथ मिलकर बनाएं। पेपा, जॉर्ज और मम्मी पिग अपने टैकोस बनाने के लिए सब्जियों को धो रहे हैं। हमें ख्याल रखना है कि सब्जियां अच्छी तरह से साफ हो गई हों। छप छप छपाक छप, सब्जियां कर लो साफ। छप छप छपाक छप, सब्जियां कर लो साफ। अब पेपा और मम्मी पिग भी धुल के साफ सुथरे हो गए हैं। सब्जियां साफ हो गई है, अब हम सावधानी से प्याज काट सकते हैं। ये लीजिए डैडी। क्या हुआ डैडी? क्या आपको प्याज पसंद नहीं है? ओ, चिंता मत करो पेपा, प्याज के रस से कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे बस अपनी आंखों को ढकने के लिए कुछ चाहिए। मुझे पता है। ओ, पेपा अपनी आंखों को प्याज से बचाने का सही तरीका जानती है। ये बेहतरीन है पेपा। फिर से प्याज डैडी पिग। अब हम थोड़ी से गुआकामोल बनाएंगे। अरे वाह, मुझे गुआकामोल पसंद है। तो फिर तुम एवोकाडो को मैश कर सकती हो पेपा। पेपा को एवोकाडो को मैश करना अच्छा लगता है। इसमें उथल पुथल करने में बहुत मजा आता है। शायद आराम से कोशिश करनी चाहिए पेपा। बढ़िया, अब चलो हम बाकी चीजों को मिलाते हैं। और सबसे खास बात, नींबू को निचोड़ कर मिलाते हैं। नींबू। ठीक है जॉर्ज, तुम ये खास काम कर सकते हो। ओह, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने सुरक्षा चश्मे पहने हुए हैं। सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अब समय है इनसे टैकोस बनाने का। अब सबसे ज्यादा मजेदार बात, अपना टॉर्टिया लें कुछ इस तरह, और अब अपनी पसंदीदा चीजें डालो। पेपा को बहुत सारा गुआकामोली से भरा टैकोस पसंद है। जॉर्ज को अपने टैकोस में कुछ भी नहीं पसंद है। मम्मी और डैडी पिग को अपने टैकोस में सब कुछ पसंद है। सभी को टैकोस बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन सभी की फिलिंग गिर गई है। अरे वाह, अब हम इन सबको फिर से एक साथ डाल सकते हैं। आज पेपा प्ले ग्रुप जाने के लिए बड़े उत्साह से तैयार हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज है पिक्चर डे। अरे वाह! मैडम गजेल ने पिक्चर डे के लिए खास फोटो बूथ बनाया है। तुम तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हो पेपा? हाँ, मैं सुबह से ही साफ सुथरी बनकर घूम रही हूँ। बहुत मजा आएगा। मैं फुटबॉल किट लाया हूँ अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए। पेपा को नहीं पता था कि वो पिक्चर डे के लिए तैयार हो सकती है। हेलो बच्चों, तुम चाहो तो तस्वीरों के लिए तैयार हो सकते हो। लेकिन याद रहे, सब
सबसे अहम बात ये है कि तुम्हारी तस्वीरों में तुम्हारे बारे में कुछ खास दिखे। क्या तुम पहले जाना चाहोगे डैनी? हाँ प्लीज। पेपा को लगता है कि डैनी की तस्वीरें वाकई बहुत अच्छी आई है। सूजी शीप ने तस्वीरें खिंचवाने के लिए नर्स के कपड़े पहने हैं। उसे नर्स की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैंडी माउस को रिकॉर्डर बजाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपनी तस्वीरों में गाना बजा रही है। कितनी प्यारी धुन है मैंडी। जॉर्ज, क्या अब तुम जाना चाहोगे? तुम अपनी तस्वीर के लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हो जॉर्ज? डायनासोर। जॉर्ज ने अपने पसंदीदा खिलौने के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने का फैसला किया है। कितनी खूंखार डायनासोर हो तुम जॉर्ज। पापा, अब तुम्हारी बारी। लेकिन मुझे पहनने के लिए कुछ भी बेहतरीन नहीं मिला मैडम गिजेल। ओ, तुमको कुछ खास पहनने की जरूरत नहीं है पापा। तुम्हारी तस्वीर में बस तुम्हें खुश करने वाली कोई चीज होनी चाहिए। ओ। पापा को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मिट्टी भरे गड्ढों में कूदने से। बेहतरीन। अब बस एक आखिरी तस्वीर लेना बाकी है, एक क्लास तस्वीर। लेकिन हमारी तस्वीर लेगा कौन मैडम गिजेल? कैमरे में टाइमर है, इसलिए ये अपने आप तस्वीर ले लेगा। चलो 3, 2, 1 बोलो चीज़। पेपा और उसके दोस्तों को पिक्चर डे बहुत पसंद आता है, लेकिन मैडम गजेल को पिक्चर डे सबसे ज्यादा पसंद आता है। आज क्रूज रुका हुआ है एक टापू पर, इसलिए पेपा और ग्रैनी पिग निकले हैं सर्फिंग करने, लेकिन लहरें हैं ही नहीं। सारी लहरें कहाँ चली गईं? ऐसा लगता है आज सर्फिंग के लिए पानी में उतनी लहरें नहीं है पेपा। अगर आप चाहें तो आप सीपिया इकट्ठा करने में मेरी और जॉर्ज की मदद कर सकती हैं। चमकीला। ओह हेलो एवरीवन। मेरे पास एक छोटी सी पैडल बोट है, आजमाना चाहो कि पेपा? पेपा पैडल बोट को आजमाने के लिए काफी उत्साहित है। हाँ क्यों नहीं। और ग्रैनी पिग मेरे साथ जेट स्की पर राइड कर सकती है। लेकिन ग्रैनी पिग को नहीं लग रहा है कि मिस रैबिट की जेट स्की पर उन्हें मजा आएगा। पेपा और ग्रैनी पिग ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स पहन लिए हैं। अब वो पानी में राइड करने के लिए तैयार है। पेपा की पैडल बोट चलाने के लिए पेडल्स दिए गए हैं। तुम सही कर रही हो पेपा, नाव को आगे ले जाने के लिए पेडल को आगे की तरफ घुमाओ। क्या ये धीरे चला? मेरे लिए रुको। क्या तुम्हें कोई रंग बिरंगी सीपिया मिली है जॉर्ज? ये वाली तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। जॉर्ज को समंदर के तट पर काफी सीपिया मिल रही हैं। इन सीपियों से तस्वीर बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पेपा को पानी में खूब मजा आ रहा है। लेकिन ग्रैनी पिग को समंदर में डर सा लग रहा है। जॉर्ज ने सीपियों से डायनासोर बनाया है। डायनासोर। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। अब आंख बनाने के लिए बस एक खास सीपी की जरूरत है। चमकीला। क्या बात है जॉर्ज। मिस रैबिट की लहर से जॉर्ज की सीपियां बहकर फिर से समंदर में चली गई। हेलो जॉर्ज। अरे बाप रे। लेकिन देखो, तुम्हारी खास चमकदार सीपी अब भी यही है। चमकीला। वाह,
मुझे रेत वाली डायनासोर की पिक्चर अच्छी लगी जॉर्ज। जॉर्ज की सीपियों से रेत में डायनासोर का आकार बन गया है। डायनासोर। पेपा को बीच पर मजे करना अच्छा लगता है। सभी को बीच पर मजे करना अच्छा लगता है। आज मम्मी पिग स्पा में राहत भरा दिन बिताने वाली है। माफ करें मम्मी पिग, आज काम जल्दी बंद करना है, मुझे जुकाम है। अरे मैं कितनी उम्मीद से आई थी स्पा डे के लिए। क्यों ना हम अपने ही घर पर स्पा करें? ओह ये तो शानदार आइडिया है पेपा। पेपा को बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। हेलो मिसेस मम्मी, स्पा में आपका स्वागत है। पेपा ने लिविंग रूम को बहुत खास स्पा में बदल दिया है। सबसे पहले हम करेंगे स्पा में क्या होता है मम्मी? वैसे हम आमतौर पर एक कप बढ़िया नींबू पानी से शुरू करते हैं। मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ मिसेस मम्मी। ये रहा। शुक्रिया पेपा, इससे बढ़िया नींबू पानी मैंने कभी नहीं देखा। आगे क्या करना है? इसके बाद मैं लेना पसंद करूँगी एक फुटबाथ। फुटबाथ क्या होता है? ये आपके पैरों के लिए एक छोटा सा बाथ होता है। ठीक है, टाइम है एक छोटी सी बाथ का आपके पैरों के लिए मिसेस मम्मी। चलिए डैडी। पेपा और डैडी पिग मिलकर खुद का फुटबाथ बना रहे हैं। लगता है इससे काम बन जाएगा। हाँ ये कितना आरामदायक है। पेपा ने फुटबाथ को रोज लिए जाने वाले बाथ में बदल दिया है। ये लीजिए आपकी ऑर्डर की हुई नाव मिस पेपा। आपके बाथ में बुलबुले और खिलौने तो होने चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं मिस रैबिट को ये सुझाव दूंगी। आगे क्या करना है मम्मी? इसके बाद अब बारी है मसाज की। यहाँ सोफे पर लेट जाओ और मैं बताती हूँ इसे कैसे करते हैं। पेपा को मालिश से बहुत गुदगुदी होती है। आपकी बारी मम्मी। ओह ये बहुत ही अलग है मेरे नॉर्मल मसाज से। ये है स्पेशल पेपा मसाज। अब वो जो आखिरी चीज मैं जो स्पा में करती हूँ वो है मड मास्क, जो है मड से बना हुआ मास्क। एक खास तरह का मड जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई खास स्पा मड होगा। मेरे पास एक आइडिया है। पेपा को बहुत बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। हमें स्पा मड की जरूरत नहीं है जब हमारे पास है कीचड़ भरे गड्ढे। ये बिल्कुल कीचड़ वाला मड मास्क है। पेपा को स्पा भी बहुत अच्छा लगता है और खास करके जब उसे मिट्टी के गड्ढों में कूदने मिलता है। आज पेपा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है। जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है।
ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है। अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लो ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाईं ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाईं ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरे। लाल ट्रेन आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ हैं। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं सुपर पोटैटो। बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। माफ कीजिएगा, आज पेपा और मम्मी पिग मिस रैबिट की योग कक्षा में आए हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते योग कक्षा में हेलो की जगह कहा जाता है। कृपया अपने जूते उतारे और एक चटाई ले ले। क्या किसी को पता है योग क्या है? क्या इसमें हम एक पैर पर संतुलन बनाते हैं या जब आप अजीब से आकार में झुकते हैं? कह सकते हैं योग एक मजेदार व्यायाम है जिसे करके आप महसूस करेंगे सैन, जिसका मतलब है शांति। हमें भी ज़ेन को महसूस करना है। आइए सांसें भर के शुरुआत करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें और नाक से धीरे धीरे सांस लें। एक, दो, तीन, और अपने मुंह से बाहर निकालें। एक, दो, तीन। सभी को सांस लेना बहुत आरामदायक लग रहा है, लेकिन एमिली और उसकी मम्मी की सूंड से हल्की सीटी की आवाज आ रही है। अब चलिए कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं। अपने हाथों को आसमान की तरफ खींचिए, फिर झुककर अपने पैरों की उंगलियों को छुएं। पेपा, डैनी और एमिली सभी स्ट्रेचिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़ों को कुछ मुश्किल सा लग रहा है। आप काफी अच्छा योग कर लेते हैं मिस्टर बुल। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। अब आराम करें। सब लोग सामने होकर लेट जाएं, फिर अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। इसे कोबरा पोज कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही किया। लेकिन आपको आवाजें निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों और पैरों को जमीन पर रखें और इस तरह से अपने कूल्हों को जितना हो सके ऊपर उठाएं। इसे कहते हैं डाउनवर्ड डॉग। बहुत बढ़िया डैनी, तुम्हें तो आसानी से आ गया। अब आखिर में सभी लोग सीधे खड़े हो जाएं, अपने हाथ एक साथ लाएं और एक पैर को दूसरे पैर तक उठाएं। इसे कहते हैं वृक्षासन। पेपा को सभी पोज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल है। सॉरी मिस रैबिट, मेरा पैर थोड़ा सा हिल गया था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है पापा। योग आराम और ज़ेन महसूस करने के लिए किया जाता है, और खिलखिला के हंसने से ज्यादा आरामदायक और कुछ नहीं है। पापा को योगा क्लास बहुत अच्छी लगती है, और पापा को हंसना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पापा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही।
आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि यह मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बस बस। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था
तो डैडी पिग मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिग की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओ, वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्की वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है, इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात, अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ। शाबाश पेपा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ओह, ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह सॉरी पेपा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पेपा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था, मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पेपा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। हेलो डैडी। हेलो पेपा, पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा।
दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पैंडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं 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 एमिली, तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना, और तभी जाना जब वो देखते हैं ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। सुबह हो गई है और पेपा कुछ जायकेदार नाश्ता कर रही है। ये दलिया कैसा लग रहा है? अप्रैल फूल्स। अप्रैल फूल्स, वो क्या होता है? आज अप्रैल फूल्स डे है। इस दिन लोग अजीबोगरीब मजाक करके एक दूसरे को हंसाते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे दलिया के साथ किया। मुझे अजीबोगरीब मजाक पसंद है। क्या हम डैडी से मजाक कर सकते हैं? क्या बढ़िया आइडिया है। डैडी पिग सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी पिग और पेपा उनसे मजाक करने आ गए हैं। क्या आप मुझे मेरा चश्मा दे सकती हैं, मम्मी पिग? हाँ, क्यों नहीं। पेपा और मम्मी पिग डैडी पिग से मजाक कर रहे हैं। शुक्रिया। अजीब बात है, इस चश्मे से देखना तो और भी मुश्किल है। ये चश्मा मजाक के लिए है। अच्छा मजाक था, लेकिन अब आप दोनों मेरे साथ मजाक नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ। पेपा डैडी पिग के साथ एक और मजाक कर रही है। ओहो, मैं ये कुरकुरे के ट्यूब नहीं खोल पा रही, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डैडी? क्यों नहीं पेपा। मैं तो इससे डर ही गया। तुमने तो मेरा फिर से मजाक बना दिया पेपा, बहुत बढ़िया। क्या तुम मम्मी पिग के साथ अप्रैल फूल्स डे का मजाक करने में मेरी मदद करोगी पेपा? पेपा और उसकी फैमिली ने डिनर कर लिया है और अब वो मिठाई खा रहे हैं। मैंने और पेपा ने मीठे में एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनाया है ना पेपा? कितना प्यारा है, ये जायकेदार लग रहा है। मेरा फोक काम नहीं कर रहा है। अपने हाथों से कोशिश करो। पेपा और डैडी पिग मम्मी पिग से मजाक कर रहे हैं। ये केक नहीं है, ये तो स्पंज है जिसपे आइसिंग लगी है। अप्रैल फूल्स। कितना बढ़िया मजाक किया है। इससे मुझे याद आया कि जॉर्ज तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट्स लाए है पेपा। शुक्रिया जॉर्ज, मुझे बिस्किट पसंद है।
अप्रैल फूल्स। पापा को अप्रैल फूल्स डे बहुत। मैडम गिज़ेल, क्या ज्वालामुखी असली है? वो असली है। लेकिन परेशान मत हो बच्चों, यहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है। अरे वाह! सिर्फ ये झूठी मोटी वाले छोड़कर, जो कि हम खास विज्ञान का प्रयोग करके बनाएंगे। हम अपने ज्वालामुखी को गोंद और अखबार से बनाएंगे। ऐसे पहले सब लोग कागज को गोंद में डुबाओ और फिर उसे बीकर पर चिपका दो। लो बन गया एक ज्वालामुखी। सभी अपने ज्वालामुखी को बनाने का आनंद ले रहे हैं। गोंद बहुत चिपचिपा और गंदा है और जल्द ही उन सब ने बना लिया है। खूब बच्चों, अब इन्हें पेंट करने का समय आ गया है। मैं चलो अपने वाले को लाल बनाते हैं। पापा, हम नीला बना सकते हैं। हरा, एक बड़े पेड़ जैसा। असली ज्वालामुखी गहरे और भूरे रंग के होते हैं, जिसमें लाल लावा होता है। लेकिन पापा और उसके दोस्त अपने छोटे छोटे ज्वालामुखी को चमकदार और रंगीन बना रहे हैं। अब समय है विज्ञान के प्रयोग का। लेकिन सबसे पहले सभी को खास दस्ताने, चश्मा और कोट पहनना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित रहे। तुम सब लोग गजब के वैज्ञानिक लग रहे हो बच्चों। अब हम बनाने वाले हैं लावा। लेकिन चिंता ना करो, हम जो लावा बनाएंगे वो झूठ मूठ का है और सुरक्षित है। पहले हम ज्वालामुखी में थोड़ा सिरका मिलाएंगे। संभाल के ये छलके ना। बढ़िया। और अब एक सीक्रेट जादुई सामग्री मैं तुम सभी के ज्वालामुखी में डालूंगी। किसी को नहीं पता कि ये विशेष जादुई सामग्री आखिर है क्या। और अब अपने कप से बेकिंग सोडा लो और अपने अपने ज्वालामुखी में डाल दो। फिर पीछे हट जाओ। मैडम गजेल का ज्वालामुखी फूट रहा है, बिल्कुल असली ज्वालामुखी की तरह। तुम्हारी बारी बच्चों। वाह, लावा लाल रंग का है। हमारा वाला नीला है। कैंडी कैट और जेरल जिराफ का लावा हरा है और काफी झागदार है। काफी ज्यादा लावा बना दिया है। नहीं कैंडी, तुमने कीचड़ वाला गड्ढा बनाया है। सभी को ज्वालामुखी बनाना अच्छा लगता है, लेकिन सभी को वाकई रंगीन मैला पोखर बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज पापा के भेग रूप में एक काफी खास सीख दी जा रही है। आज हम 4 जुलाई के बारे में सीख रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र दिवस क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जब अमेरिकी अपने देश की पसंदीदा चीजों के बारे में जश्न मनाते हैं। और आज आ रहे हैं हमारे खास मेहमान। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मिस्टर बुल अभी अभी अमेरिका से छुट्टी मनाकर लौटे हैं और वो वहाँ की अपनी कुछ पसंदीदा चीजों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए अमेरिकी पार्टी से शुरुआत करते हैं, जिसे कहते हैं कुकआउट। हम सब मिलकर मेरे नए बारबेक्यू में खाना बना सकते हैं। मैं बनूंगा ग्रिल मास्टर। मिस्टर बुल का बारबेक्यू बहुत बड़ा है। धन्यवाद मिस्टर बुल, लेकिन हमारा बारबेक्यू बाद में इस्तेमाल होगा और वो भी बाहर। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ड्रेसअप। पापा और उसके दोस्त अमेरिकी झंडों के रंगों का ड्रेसअप कर रहे हैं, लाल, सफेद और नीला। ग्रिल मास्टर और उसका बारबेक्यू दोनों ही तैयार है। समय हो गया क्या? नहीं मिस्टर बुल, सबसे पहले हमें सजावट करनी होगी। बेशक, मैं ग्रिल पर वापस जाता हूँ। उसके बाद सभी लाल, सफेद और नीले रंग की सजावटी चीजें लटका रहे हैं। अब पापा और उसके दोस्त एक अमेरिकी झंडा बना रहे हैं। अमेरिका के झंडे में
कितने स्टार्स होते हैं? बहुत बहुत सारे। ओ, ये तो बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं बच्चों। अमेरिकी झंडे में होते हैं 50 स्टार्स, हर राज्य के लिए एक स्टार। क्या अब बारबेक्यू का समय हो गया? हाँ, समय हो गया है। मिस्टर बुल अपने बारबेक्यू का इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित है। उम्मीद है आप असली अमेरिकी बारबेक्यू के लिए तैयार हैं। लेकिन बारबेक्यू में सारा खाना जल गया है। अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ग्रिल मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ एक जायकेदार ऑल अमेरिकन एप्पल पाई मास्टर भी। मुझे एप्पल पाई बहुत पसंद है। ये एकदम अमेरिकन भोजन है, खास तौर पर पटाखों के साथ। सभी को जलते पटाखे और एप्पल पाई बहुत पसंद आते हैं, खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कोई नहीं जानता कि मैडम गजल कहना क्या चाहती हैं। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग, ब्रश की जगह तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा। थैंक यू मैडम गजल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गजल। और डैनी, ये तो कसाब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी, हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ीब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं, और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों, रंग छिड़को, मजे करो, बस जमीन पे मत गिराना। सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखूंगी पापा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं, और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को प्यारा सा स्टार अच्छा लगता है, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे भी अच्छा लगता है। पेपा और रेबेका रैबिट आज तक ये का महल बना रहे हैं। ध्यान से महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। कुछ खाने के लिए। मम्मी, तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल,
अभी आई, कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओ, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग फंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। पेट्रो कोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल जिराफ और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाह, पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पेपा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पेपा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पेपा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है, और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। Oh!
तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। डिनर का समय हो गया है, लेकिन डिनर जल गया है। अरे बाप रे, क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें टेक अवे से खुद को दावत देनी चाहिए। हम चुनते हैं कि हमें कैसा खाना पसंद है और ये हमारे घर तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ चाइनीज टेक अवे है, इंडियन टेक अवे है और सुशी है। क्या हम इसे मंगवा सकते हैं? पेपा चाइनीज टेक अवे ऑर्डर करना चाहती है। चलो ये ले और ये, और भूलना नहीं वो खास सरप्राइज। पेपा और उसकी फैमिली ने खूब सारा जायकेदार खाना ऑर्डर किया है। ये अब क्या होगा? वैसे पहले रेस्टोरेंट को खाना बनाना पड़ता है और फिर वो उसे डिलीवर करते हैं। ओह, लेकिन वो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? जब हमने टेक अवे ऑर्डर कर दिया तब मैंने उन्हें अपना पता दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? मिस रैबिट इसे अपनी बाइक पर लाएंगी। ओ देखो, वो बस पहुँचने वाली है। चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। पेपा और जॉर्ज गलत दरवाजे पर चले गए हैं। ये रहा तुम्हारा टेक अवे पेपा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बहुत सारा खाना डिलीवर करना है। चावल, नूडल्स, वेजिटेबल रोल्स, और उसके बाद मिलेगा एक खास सरप्राइज। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि ये खास सरप्राइज क्या है। मुझे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे अपने मसालेदार नूडल्स पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। वो मेरे पसंदीदा भी हो सकते हैं। क्या मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ? पर पहले थोड़ा सा लेना। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। लेकिन वो थोड़े से तीखे लग रहे हैं। पेपा को मसालेदार नूडल्स ज्यादा पसंद नहीं आए। ये लो, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ट्राई करो। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल मेरे पसंदीदा है। पेपा और उसकी फैमिली ने अपना चाइनीज टेक अवे खत्म कर लिया है। क्या अब तुम खास सरप्राइज के लिए तैयार हो? अरे इन्हें कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज। इनके अंदर होता है गुड लक लाने वाला एक खास मैसेज। इस गुड लक का स्वाद लाजवाब है। पेपा को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। सभी को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक।
अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ओह, ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। आज पेपा और उसके दोस्त गो-कार्ट ट्रैक पर हैं। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो-कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपने सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो-कार्ट चुन लो। ये। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो-कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो-कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है। तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ, मेरे लिए गो-कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ू? गो-कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो-कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं। इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? नहीं शुक्रिया मिस रैबिट, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो-कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो-कार्ट्स में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो-कार्ट चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गो-कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो-कार्ट रेसिंग काफी पसंद आती है। पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना होगा। ठीक है पेपा, एक बाहर ही है, वहाँ चलते हैं। सुनो, पेपा और मैं टॉयलेट होकर आते हैं। टॉयलेट, बढ़िया आइडिया है। अरे रे,
टॉयलेट तो सफाई के लिए बंद किया गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है। सड़क के उस पार एक पब्लिक टॉयलेट है, सारे मेरे पीछे पीछे आओ। डाइनोसॉर। पेपा और उसकी फैमिली को टॉयलेट मिल गया है। ये रहा टॉयलेट पेपा, कतार में खड़ी हो जाओ। माफ कीजिए, कतार यहाँ से नहीं शुरू होती है वहाँ से। लेकिन टॉयलेट के लिए कतार बहुत बहुत लंबी है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर रुक पाऊंगी। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट है, चलो वहाँ देखते हैं। पेपा, मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज हर जगह टॉयलेट की तलाश करते हैं। वे सुपरमार्केट में ट्राई करते हैं। वे ज़ू में भी ट्राई करते हैं। सॉरी पेपा, ये टॉयलेट खराब है। यहाँ तक कि वे टॉयलेट शॉप भी ट्राई करते हैं। सॉरी, लेकिन ये सभी टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं है। अरे रे, अब मुझे भी टॉयलेट जाना है। मुझे भी। देखो, सिनेमा घर का टॉयलेट फिर से खुल गया। वाह! आखिरकार पेपा और उसकी फैमिली फिल्म देखने वापस आ गए। डाइनोसॉर। लेकिन अब फिल्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें ये शुरू से देखनी होगी। अब भी बता दो, किसी को टॉयलेट जाना है?